अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे कि वैल्यूज़ को यूज़र से कैसे इनपुट किया जाता है। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करवाना है और उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कैसे करवाना है, जिसे हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, और उन वैल्यूज़ को स्क्रीन पे शो कैसे करवाना है, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था। आज हमने ये देखना है कि अगर हम अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ को यूज़र को देना चाहें तो वो कैसे देंगे। लास्ट टाइम हमने जो वैल्यूज़ दी थी, उन वैल्यूज़ के साथ जब हम प्रोग्राम को चलाएंगे तो जो वैल्यूज़ हमने दी थी वैसे ही प्रिंट होंगी। और बता, यूज़र से वैल्यू हमने इनपुट नहीं की थी कि वो अपनी मर्ज़ी की वैल्यू जो है वो इनपुट कर सके, लिहाजा हमें जो है उसके लिए एक फ़ंक्शन है scanf का फंक्शन, जो यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में कौन सा प्रोग्राम बनाया था। जी, ये लास्ट टाइम हमने जो है ये प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने तीन वेरिएबल लिए थे, एक एज के नाम से था, एक हाइट के नाम से था और एक सेक्शन के नाम से था। उसमें हमने अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ को स्टोर करवाया था और उनको स्क्रीन पर हमने शो करवा दिया था। आज हमने जो है वो ये देखना है कि वैल्यूज़ को जो है यूज़र से कैसे इनपुट करेंगे। उसके लिए पहले जो मैंने वैल्यूज़ असाइन की हुई थी उनको मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि हम इन वेरिएबल्स के अंदर अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकें। ठीक है जी, ये मैंने वेरिएबल जो है वो ले ली हैं। यूज़र से वैल्यू इनपुट करने के लिए हमें दो काम करने पड़ते हैं। पहले तो जो हमें printf के थ्रू एक मैसेज स्क्रीन पर शो करवाना पड़ता है जो कि यूज़र को प्रॉम्प्ट करता है कि वो कोई ना कोई वैल्यू एंटर करे। उसके बाद क्या होगा, यूज़र कोई ना कोई कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए कोई वैल्यू एंटर करेगा तो उस वैल्यू को हम scanf फंक्शन के थ्रू उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। तो हम यहाँ पे एक मैसेज शो करवा लेते हैं printf स्टेटमेंट के ज़रिए। printf सबसे पहले हम जब एज की वैल्यू लेना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे मैसेज लिख लेता हूँ जी, एंटर योर एज, ताकि यूज़र जो है वो अपनी एज एंटर कर सके। क्योंकि ये स्ट्रिंग वैसे की वैसे प्रिंट हो जाएगी तो मैं साथ में इक्वल टू का निशान भी लगा लेता हूँ ताकि जो है वो हमारी इनपुट जो है वो अच्छी नज़र आए। ठीक है जी, उसके अलावा मैं दूसरी वैल्यू फिर एक और ले लेता हूँ हाइट के नाम से, उसके लिए मुझे भी एक मैसेज शो करवाना पड़ेगा। उसके लिए मैं कहता हूँ एंटर योर हाइट, इक्वल टू का साइन। उसके बाद तीसरी वैल्यू इनपुट करने के लिए जो कि करेक्टर होगा, उसके लिए मैं यूज़र को कहता हूँ एंटर योर सेक्शन, इक्वल टू का साइन। ज़रूरी नहीं है इक्वल टू का साइन ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूँकि ये अच्छा नज़र आएगा प्रोग्राम हमारा, इसलिए मैंने जो है वो इसको लगा लिया। ठीक है, ये मैंने स्क्रीन पे मैसेज शो करवा दी हैं। अब यूज़र जब जो है पहली वैल्यू इनपुट करेगा एज की, उसको स्टोर करवाने के लिए मैं यहाँ पे scanf का फंक्शन ले लेता हूँ। scanf का सिंटैक्स है scanf, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट्स के अंदर और सेमी कॉलन। यहाँ पे हमने scanf में क्या करना है, सबसे पहले हमने परसेंटेज का साइन लिखना है, परसेंटेज डी, जो कि है फॉर्मेट स्पेसिफायर, अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इंटीजर वैल्यू के लिए हमें परसेंटेज डी का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो लगाना पड़ता है। उसके बाद हम जो वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, ये सिंटैक्स है, हमें ऐसे ही लिखना है बिल्कुल। उससे पहले एंड का कैरेक्टर लगा के और वेरिएबल जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करवाना होता है, तो ये इस पहले वाली दो लाइनों के अंदर यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि याद रहे। यहाँ पे हम मैसेज को शो करवा रहे हैं वैल्यू को इनपुट करने के लिए, और मैसेज ना भी शो करवाएं, डायरेक्ट स्कैनर फंक्शन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है लेकिन जो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मैसेज को लाजमी हमने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इनपुट वैल्यूज, इस फंक्शन के थ्रू हम वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे। ठीक है जी,
उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू हमने मैसेज शो करवा दिया हुआ है, तो वैल्यू को इनपुट करने के लिए हम यहाँ पे scanf का फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं जी। scanf उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, फ्लोट पॉइंट वैल्यू को लेने के लिए, रियल वैल्यू को लेने के लिए हम परसेंटेज एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कॉमा, उसके बाद एंड का कैरेक्टर और वेरिएबल का नाम जिसमें हम वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। ये दूसरी वैल्यू स्टोर हो गई है जी। उसके बाद थर्ड वैल्यू को हम स्टोर करवा लेते हैं जी। उसके लिए स्कैन एफ का फंक्शन दोबारा लेंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर वैल्यू के लिए परसेंटेज सी, उसके बाद कॉमे के साथ एंड का कैरेक्टर और वेरिएबल का नाम, ठीक है जी। तो ये तीनों जो है मैंने वैल्यूज़ मैसेज भी शो करवा दिया और वैल्यूज़ के लिए वेरिएबल भी मैंने लिख दिए हैं स्कैन एफ फंक्शन के अंदर। स्कैन एफ फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी एक वक्त में ली जा सकती हैं, बस आपने कॉमा डालना है और अगले वेरिएबल का नाम लिख के एंड लगा के सेकेंड वेरिएबल का नाम, ठीक है जी। अगर तीन वैल्यू लेनी है तो फिर भी ऐसे ही है, एंड डाल के अगले वेरिएबल का नाम, क्योंकि मैं सिंगल वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ इसलिए मैंने एक ही वेरिएबल का नाम लिखा है, ठीक है जी। उसके बाद एक बात याद रहे, यहाँ पे हमने जो है वो एक स्पेस डालनी है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो वैल्यू इनपुट की होती है तो अगली लाइन पे आने के लिए बैकस्लैश एन का फंक्शन बैक एंड पे स्टोर होता है, तो करेक्टर वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली बैकस्लैश एन को रीड कर लेता है। इस वजह से नुकसान ये होता है कि वो हमारी वैल्यू जो है वो इनपुट नहीं करता। कैसे होगा ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक दफ़ा इसको वापस करते हैं ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस करवा सकें। उसके बाद ये तीनों वैल्यूज़ मैंने प्रिंट भी करवा दी हैं, ठीक है जी। अब ज़रा इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि इसकी इनपुट आउटपुट क्या आती है। रन करेंगे जी, लास्ट में हमने देखा था कि हमारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गई थी जो हमने स्टोर करवाई थी, किस दफ़ा वैल्यूज़ को वो हमसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर कोई वैल्यू इनपुट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 और हाइट 4.5 और एंटर जो सेक्शन जी, अब देख रहे हैं कि सेक्शन उसने मुझसे पूछा नहीं है, डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि बैकस्लैश एन का फंक्शन अगली लाइन के लिए ऑटोमेटिकली बफर में मौजूद था, इस वजह से उसने जो है मुझसे वैल्यू को नहीं पूछा, उसने बैकस्लैश एन को खुद ही रीड कर लिया था, इसलिए उसने उसको रीड कर लिया। लिहाजा हमने यहाँ पे जब वैल्यू कैरेक्टर इनपुट करेंगे तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले एक स्पेस लगा देनी है ताकि वो हमारा मसला हल हो जाए। अब ज़रा दोबारा इसको रन करेंगे, एंटर योर एज 45, हाइट 7.9, इतनी लंबी हाइट होती तो नहीं है, बहरहाल सिर्फ ये बताना है कि हमने फ्लोट पॉइंट वैल्यू कैसे इनपुट करनी है। और जी अब देख रहे हैं हमसे वो सेक्शन भी पूछ रहा था, मैं कहता था हम सेक्शन ए दी, तो जो मैंने वैल्यूज़ इनपुट की थी वो वैसे की वैसे प्रिंट हो गई है, पहली वैल्यू थी 45 वो प्रिंट हो गई है, दूसरी वैल्यू थी 7.9 वो भी वैसे प्रिंट हो गई और ए करेक्टर हमारा प्रिंट हो चुका है, ठीक है जी। हम जब इस प्रोग्राम को दोबारा चलाएंगे तो वो दोबारा भी हमसे वैल्यू पूछेगा, फिर दोबारा फिर हम नई वैल्यू एंटर करेंगे 1, 2, 3, हाइट 5.4 और सेक्शन डी जी। तो इस तरह हमने वैल्यूज इनपुट की थी 1, 2, 3 और 5.4 और डी, वो वैल्यू स्क्रीन पे वैसे की वैसी शो हुई है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इस तरह हम जो है अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज यूजर से ले सकते हैं और उनको स्क्रीन पे शो भी करवा सकते हैं। आपने जो है ये कोड वैल्यूज को लेने के लिए बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है और आपकी क्या आउटपुट आती है वो नीचे आपने कमेंट के अंदर शो करनी है। और अगर कोई भी इशू है आपका प्रोग्राम लिखते वक्त कोई आपकी आउटपुट गलत आ रही है या कोई एरर आ रहा है तो उसके सोल्यूशन के लिए भी आप नीचे कमेंट में अपना इशू लिख सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।